Find the SF of the following numbers in each of the following using the prime factorization method. इसके four question में आपको already part 7 में करवा चुके हैं, इसलिए 5 से start करेंगे. तो 84 के पहले हमें prime factors निकालने हैं. तो हम निकाल लेते हैं. Five, 5 is 35, and 17 is 17.
का क्वेश्चन नंबर 8, 144, 252 एंड 630. तो 144 के पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स. 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. नेक्स्ट है आपका 252. इसके निकाल लेते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 3 7 21, and 7 7. 630 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 3 6, 2 5 10, 3 3 3, 0, 3 5 15, again 3 6 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9. थ्री कॉमन आ रहा है, से 7 1 7, 7 9 63, एंड 19 1 19. नेक्स्ट है आपका 5320. इसे हम 2 से करेंगे पहले. 2 2 4, 2 6 12, 3 6 12, 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, एंड 0. उसके बाद अगेन 7 से जाएगा. 7 1 7, 7 9 63, 0. उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा. 5 1 5, 5 3 15, 5 6 15. अब जाएगा ये 7 से, तो 7 7, 7 9 63, एंड 19 1 19. नेक्स्ट है 4 3 8 9. 4 3 8 9 किस टेबल से जाएगा?
8, 9 के फैक्टर सेवन है, 3 × 7 × 11 × 19। अब इसमें देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें भी इसमें 3 है बट तीनों में नहीं है। इसमें देखिए जो 7 है वो है तीनों में एंड 19 जो है वो है तीनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे SCF equals to 7 × 19 = 6 × 7 = 133. So 133 is the SCF of 1197, 5200, 5320 and 4389. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द SCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमें यूज करना है, सो जो छोटा नंबर है उसे हम डिवाइजर रखेंगे एंड बड़े वाले नंबर को डिविडेंड रखेंगे। ओके, तो 58 बन जा, 58 माइनस किया, यहाँ पे आएगा आपका 2 एंड यहाँ पे 6 × 6 × 5 किया 1 12। अब ये 58 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 के टेबल में कितनी वैल्यू आ जाएगा, 12 × 4 = 48 माइनस करेंगे तो 0 एंड 1। अब इस 10 के टेबल से ये 12 डिवाइड होगा, तो 10 × 10 माइनस किया 2 आया, और इस 2 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम में 10 कंप्लीट चला जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा 2 लास्ट में बचा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, SCF of 58 and 70 equals to 2। जो यहाँ लास्ट में बचेगा वही हमारा SCF होगा। नेक्स्ट है आपका 399 एंड 437। तो 399 छोटा है तो उसे हम रखेंगे डिवाइजर एंड 437 विल बी डिविडेंड। सो वन टाइम में पहला चला जाएगा 399 माइनस करेंगे 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 3 से 3 जाएगा 0, तो 38 से करेंगे 399 को, तो वन टाइम में पहले आपका 38 कंप्लीट चला जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 1 एंड फिर ये 9 नीचे ले लेंगे, 38 के टेबल में 19 नहीं आता तो यहाँ 0 लगा देंगे, आप 19 से 38 को डिवाइड करेंगे, 19 × 38 माइनस करा कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे हमारा जो SCF है, SCF of 399 एंड 437 इक्वल्स टू 19, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में 19 ही बचा है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, 1045 एंड 1520। तो 1045 आपका डिवाइजर है, 1520 है आपका डिविडेंड, वन टाइम में चला जाएगा 1045 माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 5 बचेगा आपको 1, तो यहाँ से कैसे ले लेंगे जाएगा 11, 11 में से 4 या तो 7 एंड 4। ना 475 से 1045 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा, 2 × 10 वन कैरी क्या, 2 × 14 = 15 वन कैरी क्या, 2 × 8 = 9 माइनस करेंगे यहाँ पे 5 में से 0 हो गया तो 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब 95 से 475 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में चला जाएगा, 5 टाइम में, 5 × 25 टू कैरी क्या, 5 × 45 और 247, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, SCF ऑफ 1000
वन माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइव और यहाँ पे आ जाएगा कितना, नाइन में से जाएगा तो सिक्स, एंड फाइव को नीचे ले लेंगे। अब ये चला जाएगा आपका फाइव टाइम में, तो फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वन कैरी किया, फाइव वन जा फाइव और वन सिक्स, माइनस करेंगे तो एक कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस सी एफ, एस सी एफ ऑफ 1096 इक्वल्स टू 131। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 2241 एंड 2324। तो 2241 से 2324 को डिवाइड करेंगे तो पहले वन टाइम में आपका चला जाएगा टू टू फोर वन, माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा थ्री, ट्वेल्व में से फोर जाएगा तो एट, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब 83 से टू टू फोर वन को डिवाइड करेंगे तो जाएगा टू टाइम में आपका चला जाएगा टू थ्री जो सिक्स एंड टू एट जो सिक्सटीन, माइनस करेंगे 14 में से 6 जाएगा 8, 11 में से 6 जाएगा तो 5। आप इस वाले वन को यहाँ ले लेते हैं। अब ये आपका चला जाएगा 7 टाइम में, 7 से 21, 2 कर गया 7, 8 जा 56 और 2 48, माइनस किया कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस सी एफ ऑफ 1128। तो पहले 658 से 940 को डिवाइड करते हैं, वन टाइम में चला जाएगा आपका 658, माइनस करेंगे यहाँ बचे आपका टू, 13 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा आपका 8 और 8 में से जाएगा तो 2। अब 282 से 658 को डिवाइड करना है तो ये आपको चला जाएगा थ्री टाइम, आई थिंक टू टाइम में आपका चला जाएगा ये टू टू जो फोर, टू एट जो सिक्सटीन, वन कैरी किया, टू टू जो फोर वन फाइव, माइनस करेंगे एट में से फोर या तो फोर एंड फाइव में से फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स या नाइन। अब 94 से 282 को डिवाइड करना है तो कितनी बार में चला जाएगा ये टाइम में, टू 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 फोर जो एट एंड टू नाइन जो एटीन, थ्री टाइम में आपको ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। थ्री फोर जो ट्वेल्व, वन कैरी गया, थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन एंड वन ट्वेंटी एट, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। यहाँ लिखेंगे एस सी एफ, अभी नहीं, अभी 94 जो आपका आ गया उस 94 से 1128 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 94 एंड 1128। तो वन टाइम में आपका पहले यहाँ 94 चला जाएगा, माइनस करेंगे 12 में से 4 गया 8, 10 में से नहीं जाएगा 1। अब इस 8 को यहाँ नीचे ले लीजिए, अब 94 से फिर से कर लीजिए तो ये आपको हो जाएगा टू टाइम में 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, माइनस करेंगे। अब अभी भी 94 से कंप्लीट डिवाइड हो गया है तो अब हम लिखेंगे एस सी एफ ऑफ 658, 940 एंड 1128 इक्वल्स टू 94। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक ही, क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कॉपी इट इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट योर वर्क एंड से